बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आज हसन अब्दाल में एक रेलवे स्टेशन का इफ्तिताह किया है, जिसमें उन्होंने जो तकरीर की वो काबिल-ए-गौर है। एक तो उन्होंने वहां MLI का जिक्र किया है, जो पाक चीन दोस्ती की बेमिसाल दोस्ती का एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये पाकिस्तान में एक ऐसा मनसूबा है जिस पर सबसे ज्यादा आज तक जो इन्वेस्टमेंटें हुई, ये सबसे ज्यादा महंगा मनसूबा कह सकते हैं या ज्यादा बजट का मनसूबा कह सकते हैं। जो उन्होंने कहा वो ये था कि पेशावर से कराची तक 7 घंटे में सफर मुकम्मल हो जाएगा। फिर आज ही के दिन उन्होंने सवात में एक जलसे से भी खिताब किया, जहां उन्होंने कल के रिएक्शन के तौर पर जहां मरियम नवाज शरीफ साहबा ने गिलगित बल्तिस्तान में वजीर आजम पाकिस्तान को गीदड़ कहा था, वहां वजीर आजम इमरान खान साहब ने कहा है कि दंदर में बैठा हुआ गीदड़ पाकिस्तानी अदारों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहा है और बगावत पर उकसा रहा है। ये बड़े सीरियस एलिगेशन है, मैं समझता हूँ इस तरह की बयानबाजी, इस पर हमारा पैनल बात करेगा। दूसरा सबसे अहम वो ये है कि कहते हैं कि भाई बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून निकला। ये जो 11 जमातों का भानुमती का कुनबा वजूद में आया था, जिसकी क्यादत फजलुर रहमान साहब कर रहे थे, उसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी उसको बनाने में, फॉर्मेट करने में, फंडिंग में और उसको सब पार्टियों को एक नुक्ते पर लाने में भास्कर मुस्लिम लीग का हाथ था। गुजरांवाला, कराची और फिर क्वेटा के जलसे के बाद आपने देखा कि सियासी पार्टियां आपस में दूरी इख्तियार करती थी। और आज सबसे अहम यह है कि बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने गुजरांवाला में जो मियां नवाज शरीफ साहब ने अफवाज पाकिस्तान के सरबरा को डायरेक्ट हिट किया था, उस पर अपनी ला तल्लुकी अजहार किया है, बल्कि ये कहा है कि मुझे ये बहुत जबरदस्त धचका लगा, हम इस ट्रांस के साथ नहीं है। उससे पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब जमीयत उलमाए इस्लाम के, हमारे अब्दुल कादर बलोच साहब जो सैनेटर हैं और साहब का जनरल भी हैं, वो भी इससे डिसलिंक कर चुके हैं। पाकिस्तान में सियासी जमातें अपने जाती मफादत के लिए इदारों को किस तरह मिलायन करती हैं, उस पर एक सवालिया निशान है कि हर पार्टी जो है वो अपनी पॉइंट सिक्योरिंग के लिए इस किस्म की हरकतें करती है। इस पर तफसीली बात करेंगे, क्या क्या बातें हुई, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हों या मरियम नवाज शरीफ साहब हों, वो इस वक्त एक दूसरे के मुतहारब दोनों ही मुतवक्को अपने आप को साबित कहने के लिए कि दो वजीर आजम इस वक्त अपने आप को बनाने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। जब वहां नारा लगते हैं कि शेर आया और आइंदा वजीर आजम नवाज शरीफ, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ऐसे ही नारा लगवाते हैं। PDM का मुस्तकबिल क्या, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सिन्हान साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, और शाह इकबाल भट्टी साहब भी सीनियर एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। और हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद दोस्त रहेंगे यके बाद ही के जो भी मौजूद आ जाएगा। डॉक्टर सिन्हान साहब, ये आपका बड़ा पसंदीदा मौजू भी है कि आप, मैं समझ, जब खुश होते हैं ना कि पाकिस्तान की कोई ऐसा मनसूबा आए और जो वक्त एक गेम चेंजर हो, उसमें CPAC तो है ही, उसमें कई मनसूबे हैं, लेकिन ML1 मैं समझता हूँ कि सबसे बेस्ट है, क्या कहें। अच्छा, जो आपने इंट्रो के अंदर काफी हद तक पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलप कर दिया, पहले इस पर बात करेंगे। ML1 क्यों नहीं जी, मैं वो सिनेरियो पर तो बात ही नहीं करूंगा। हाँ। मैं ML1 पे आ जाता। ये पाकिस्तान के लिए CPAC का तोहफा है और CPAC के अंदर जो ML1 के, तो एक की आपने बात की, मेन जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो 3 है। एक तो मुल्तान सखर मोटरवे है, दूसरा KKH Phase 2 हवेलियां कोकाट सेक्शन से लेके ठाकोट सेक्शन से लेके, और तीसरा क्रॉस बॉर्डर ऑप्टिकल फाइबर केबल Phase 1। अगर मैं इसको टेक्निकली बताऊं, बॉर्डर से क्या मुराद है? ये जो ऑप्टिकल फाइबर उनके अंदर बिछाई जा रही है वो तकरीबन 820 किलोमीटर रकबे के ऊपर फैलाई जा रही है और 44 मिलियन उसके अंदर US डॉलर कंसील किए गए हैं लोन के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर ये अच्छी बात यह है कि ML1 जो मुल्तान सखर मोटरवे का जो प्रोजेक्ट है, US$2.8 बिलियन जो चाइनीज गवर्नमेंट से सेंशन लोन के साथ शुरू हुआ है, ये यकीनन बड़ी खुशाइन बात है। और अगेन उसके बाद मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम जस्ट इस गुफ्तगू के बाद कि जो भी मुहिब वतन जमहूरी कुवतें भी होंगी या पॉलिटिकल पार्टीज भी होंगी, वो फौज के लिए ऐसी बात नहीं करेंगी, वरना ये पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट बन जाएगी। तो ML1 भी, जब अफवाज पाकिस्तान ही हो, गारंटर भी अफवाज पाकिस्तान ही हो उन इलाकों में जहां
अब भी लैंड ऑर्डर का मसला दरपेश है जा। तो उसमें ये जो ऐलान है या इसकी कंप्लीशन है ये डेफिनेटली मुतवक्का है और ML1 जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत खास हद तक संगमील साबित होगा। उसके आगे अगर मैं बात करूं कि उसके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं वो मैं उसकी तफसील आगे बयान कर देता हूं। उसकी उसमें अगर आप में देखें कि न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, एक्सप्रेस वे जिसकी वर्थ बनती है 179 मिलियन, हाकला डीआई खान मोटरवे है, खुजदार बिस्मा है, जोब कोयटा है और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट है और इन सब को अगर देखा जाए तो इनके अंदर बिलियंस ऑफ द बिलियन आपके इन्वेस्ट हो चुके हैं। ये पाइप ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जिनका टाइम किसी भी सूरत किसी भी टाइम पर आ जाएगा। ने एक और बात की है कि जो एस्टिमेट कास्ट थी जो यानी इससे पहले फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनी है जो यानी कॉन्ट्रैक्ट में आती है उससे उन्होंने कहा है कि हमने तकरीबन 2 बिलियन रुपए में से कम करवाए हैं, $2 बिलियन। अच्छा तो अच्छा इस फाइनेंशियल्स के अंदर जो मैंने अभी क्योंकि फाइनेंशियल कैलकुलेशंस आपको साथ बता दिए उसमें फिजिबिलिटी का मामला होता है, उसमें जो लागत आनी होती है वो टाइमली चेंज भी हो सकती है, कभी एक्सीड कर जाती है कभी कम हो जाती है। जिस तरीके से आप दोनों में देख लें कि एक की मुद्दत जो है वो मुद्दत टाइम पर पूरी हो गई तो वो सही हो गई, लेकिन अगर आप पेशावर वाले में देखें तो उसमें आपकी तकरीबन 79+ पर रखते हैं। ये बताइए कि जब हम उनके साथ मुआहदे कर रहे थे जो अब यानी ब्लेम गेम कह लें या ये सवाल लोग करते हैं जो सियासी पार्टियां कहती हैं कि इससे बेहतर नेगोशिएशन की जा सकती थी। अच्छा इसमें बात यह है कि इसमें नेगोशिएशन किस सूरत में की जा सकती थी, पॉइंट मेरा एक बड़ा बुनियादी सा है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे एम्प्लॉयज कहां जाते, जो रोड्स हैं इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं इसका पहला नाम बताना चाहता हूं कि ये इसको स्ट्रेटेजिक लाइन कहते थे, इसको सीपैक लाइन नहीं कहा जाता। अच्छा ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर तो ये बाद में उन्होंने अनाउंस किया है, इसके बाद इससे पहले तो ये एक सिल्क रूट था, एक स्ट्रेटेजिक लाइन थी जो उसको मिलाने के लिए सिर्फ कारगर थी। और मैंने इससे पहले भी बताया कि जब चाइना जो है वो पाकिस्तान के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, जब जो सबसे पहले डिलीवरेंस वो गवादर की मांगता है, अच्छा उसके बाद वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बात करता है और तीसरे लेवल के ऊपर पावर प्रोजेक्ट के लिए। आमतौर पर हमारा जो यानी इल्जाम भी किसी हद तक दुरुस्त है कि जब हम लोकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हरकत में आता है तो उसका वो स्टैंडर्ड नहीं रहता इंटरनेशनल, इनमें दोनों जो पार्टियां हैं वो इस चीज को देखेंगी, वो स्टैंडर्ड यानी जो ट्रैक्स हैं उनके स्टेशन हैं अंडरपासिस हैं ओवरहेड्स हैं। अब तक अंग्रेजों के वक्त के पुल बने अभी तक ठीक हैं, लेकिन जो हम बड़ी तेजी से बनाते हैं वो फिर आपके सामने है। अच्छा उसमें एक जो स्टैंडर्ड्स के ऊपर भी मैं बात कर दूं कि जितने भी आपके इस वक्त प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं मिलिट्री और चाइनीज जो टेक्निकल स्टाफ के साथ चल रहे हैं, अच्छा उसमें अगर आप देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्ट्रेटेजिक मामला चल रहे थे, अगर किसी किस्म की ग्लिचेस ना डाली जाए। और इसके साथ में एक और चीज रिलेट भी करना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के ऊपर चाइना पाकिस्तान पर पैसा इन्वेस्ट करता जा रहा है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में पावर में और बाकी चीजों के अंदर, इस सब का खौफ पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका है। और चाइना आपने देखा होगा कि अभी ये जो यूएस आने के बाद ये काम कुछ मेरा ख्याल कुछ तेजी हुई है, इसमें तेजी डेफिनेट होगी और वो किसी ऐसी सूरत में नहीं गए कि वो ये जो जमहूरी मिलाइनमेंट उनके साथ शुरू हो गई और उनको मिलाइन करना शुरू कर दिया और ये इस तरह की हरकतों की वजह से वो बैक ऑन नहीं हुए, वो बेसिकली वो सीपैक पर ही तवज्जो देना चाहते थे, पहला सब्जेक्ट भी वही था। लेकिन उसके साथ अटैच होने के लिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिफ्थ जनरेशन वॉर को भी तो शुरू कर रखा है, अब फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है वो आप टेक्निकली देखें यूएस के अंदर पेंटागन से ये इंस्ट्रक्शन है कि चाइनीज का सीपैक प्रोजेक्ट किसी सूरत कामयाब ना हो। अगर ये चाइनीज का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है सीपैक का, जो कि आप यूं समझ लें कि पाइनियर है फॉर द बेल्ट एंड रोड, उसके साथ अगर ये करें ना करें इसको खराब करना चाहते हैं वो इन एनी केस। और जो अगर इलेक्शंस के ऊपर जो मैं अभी क्योंकि लोग पूछ रहे हैं मुसलसल डोनाल्ड ट्रंप का और बाइडन का, तो मैं अक्सर ये तजिया दे रहा हूं कि आप ये दोनों में से कोई एक भी आ जाए किसी सूरत भी चाइना सीपैक उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। और दो चीजें और ऐड कर दूं कि उन्होंने चाइना के लिए क्या मामला बनाया, उन्होंने ताइवान और हांगकांग इनके साथ अपनी टाइज मजबूत कर दी,
और वो चाइना को आइसोलेट करना चाहते हैं, जिसमें वो डेफिनेट नाकाम होंगे और इसका उससे फर्क नहीं पड़ता। मेजर सारा का सारा जो क्रिटिसिज्म आना है और जो उनका प्लो बैक लाना चाहते हैं वो बेल्ट एंड रोड के ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन चाइना उससे बैक ऑफ नहीं हुआ। वो ईरान को भी बना रहा है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो चाबहार के ऊपर भी करेगा, 400 मिलियन डॉलर उन्होंने उसके ऊपर दे दिए। आपके पास 62 है, लेकिन इसके बावजूद भी आपका गवादर तो उनको चाहिए ही चाहिए, और ये खित्ते के ही सलामती के लिए चाहिए, ना कि कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म। साहब आप बताइए, क्योंकि ये मौजूद जरा कि हम लोगों की थोड़ा सा, शुरू में मैंने कहा ये जरा जो प्रोडक्टिव है पाकिस्तान की एक जरूर है, पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ गेम चेंजर है, उस पर बात करनी चाहिए, वो तो फिर आगे हम सियासत पर बात करेंगे। ये बताइए, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर है हमें खुशी का इजहार तो करना चाहिए, इन मुआहदे जैसे भी हैं, वो सनान साहब अक्सर कहते रहते हैं कि ये बेसिकली हम जब देखते हैं कि भाई वहाँ एयरपोर्ट नहीं बना, वहाँ पानी नहीं है, तो वो कहते हैं कि वो तो 2% है, सी पैक का मतलब आपने समझी कि और है ये 98% तो इंफ्रास्ट्रक्चर और है, यानी इंडस्ट्रियल जोन है और चीजें हैं। तो स्टेट टू स्टेट जब कंट्रैक्ट होता है, चाइना में सजाए बहुत है करप्शन की, पाकिस्तान को ने बेल आउट किया हुआ, यहाँ कई स्कैंडल निकले भी, हमने मिलजुल के किए भी, तो वो घबराए हुए भी थे, लेकिन यह है कि हुकूमत जब आई तो जिन लोगों ने गारंटी दी थी उन्होंने सेटिस्फाइड किया कि गो हैड। अब ये जो जिसको ML1 यानी ट्रेन ट्रैक कहते हैं, अब अंग्रेज जो छोड़ के गए वो तो हमने तो बर्बाद कर दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं। तो इस पर आज वजीर आजम साहब ने कहा जल्द ही इसके टेंडरिंग होने वाली, इस पर क्या? बहुत शुक्रिया, मैंने काफी ब्रीफ कर दिया और उसमें सारी चीजों को समअप कर दिया। उसमें मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ML1, अच्छा अगर हम चाहें आप शायद सर हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। तो नाज़रीन अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम सब सही तालीमी इदारों की तलाश में रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये सिर्फ क्लासेस लेना और इम्तिहानात देना ही नहीं है, बल्कि ये इदारे हमारा दुनिया के बारे में नजरिया तब्दील करते हैं। लीड्स यूनिवर्सिटी वही जगह है जहां पर आप अपनी शख्सियत को मजीद निखार सकते हैं। हम आपकी पोशीदा सलाहियतों को उजागर करके आपको एक बाएतमाद और काबिल शख्सियत बनाते हैं। मजीद मालूमात के लिए राबिता करें। मैं हूं शिराज निसार, थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ्फुज पैदा न कर सकी? मुआशरे में मौजूद ला कानूनियत और हुकूमत की रिट को रखूंगा आपके सामने टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। ये उमंग, ये जज्बे, ये सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब, ख्वाब हो चाहे आसमान छूने का, ख्वाब हो आगे बढ़ने का, या ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का, इन ख्वाबों की तकमील करती है क्वालिटी एजुकेशन। जब बात हो क्वालिटी एजुकेशन की, तो लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दे रहा है आपके मुस्तकबिल को सुनहरा रूप। एक एक लफ्ज जो हम पढ़ाते हैं, एक एक अमल जो हम सिखाते हैं, इन सब में छुपा है कौम की तामीर का जज्बा, सुनहरे मुस्तकबिल की तख्लीक का जज्बा। लीड्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, तावीर से तामीर तक।
قومی ترجیحات میں تعلیم کہاں ہے؟ صحت کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ تعلیمی نصاب سے تحقیق کے میدان تک، مدارس سے یونیورسٹیز تک، لیبورٹریوں سے رصدگاہوں تک، تعلیم اور صحت کی دنیا کا احوال میں رکھوں گا آپ کے سامنے ٹی وی ٹوڈے پر۔ میں ہوں علی طارق، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ रंगों की दुनिया से सितारों की क्या कशा में, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शहजुद्दीन, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। मुझे चाहिए क्वालिटी एजुकेशन। मुझे डिग्री के बाद एक शानदार करियर पाथ। मुझे चाहिए अफोर्डेबिलिटी। मुझे चाहिए रिकॉग्नाइज्ड डिग्री। बेहतरीन फैकल्टी के साथ लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी मुमकिन बनाती है बिजनेस स्टडीज से लेकर कंप्यूटर साइंसेज, कॉमर्स से लेकर इंजीनियरिंग तक। क्वालिटी एजुकेशन, जॉब प्लेसमेंट और शानदार कैरियर पाथ, लाहौर लीड्स यूनिवर्सिटी। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तजिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इकदामात, अपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। ویلکم بیک ناظرین، اب پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے۔ سوال ہم کر رہے تھے، شاید اقبال بھٹی صاحب بات کر رہے تھے اس پر، کہ وزیر اعظم پاکستان نے حسن ابدال میں ریڈیو اسٹیشن کا افتتاح کیا اور سوات میں ایک بہت بڑے جلسے سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے دو باتیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایم ایل ون پر بات کی، جس پر ابھی بڑی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے، ڈاکٹر شاید اقبال بھٹی صاحب سے بات کر رہے تھے۔ پاکستان کا گیم چینجر، پاکستان میں ہمیشہ سواری کی بہت ہی تکلیف رہی ہے، پبلک ٹرانسپورٹ ہے نہیں، اور دنیا کا ماشاءاللہ ہمیں اعزاز حاصل ہو گیا کہ پوری دنیا کے ٹرانسپورٹ گندا ترین جو ہے وہ شہر کراچی کو قرار دیا گیا ہے، جہاں پیپل پارٹی کی 12 سال سے مسلسل حکومت ہے۔ تو ایم ایل ون سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ریلوے ٹریک ہے پشاور ٹو کراچی، یہ ایک شاندار تحفہ ہے ترکی کا اپنا چائنا کا۔ شاید اقبال بھٹی صاحب بات کر رہے ہیں، مکمل کریں۔ میں بہت شکریہ اسنین نے بہت اس پہ تفصیل کے ساتھ اس کو بریف کر دیا اور اس میں ایڈیشن بھی کر دی۔ ایم ایل ون، ایم اور ایل کا مطلب ہے مین لائن ون فرام پشاور ٹو، حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے، اگر آج سے 20 سال پہلے میں نے ایک دفعہ سفر کیا تھا تو یہ صرف پشاور تک ٹرین نہیں جاتی تھی، یہ آگے اوپر تک بھی ٹرین جاتی تھی، اور بڑا زبردست اس کا سفر تھا۔ لنڈی کوتل کہہ رہا ہوں جی، ہاں جی، تو لنڈی کوتل سے لے کے کراچی تک 7 گھنٹے کا سفر۔ یہ دیکھیں، یہ ہے ایڈوانسمنٹ۔ یہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں جو ایک اٹامک پار اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی سال پہلے بنا دیا، موٹر ویز بھی بن رہے ہیں، یہ موٹر ویز جاگیر نہیں ہوتے، یہ گورنمنٹ کانٹریکٹ کرتی ہے آپ کے اور میرے پیسوں کے ساتھ، پبلک منی ہے، ہم ٹیکس پیئر ہیں، جو بھی گورنمنٹ ہوگی وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کانٹریکٹ کرے گی۔ اب اس میں کک بیکس ہو جائیں، اس میں کمیشنز آ جائیں، اس میں پرسنل انٹرسٹ آ جائے، اس کا روٹ چینج کر دیا جائے، وہ چیزیں ذرا سائڈ پہ رکھیں، لیکن پاکستان میں چاہے ایئرپورٹس بنے، انفراسٹرکچر آتے ہیں اس میں، ٹریک یعنی ہمارا مین لائن ون، 7 گھنٹے کا سفر۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ
जैसे पूरी दुनिया से फास्ट ट्रैक पर आ गई है। फास्ट ट्रैक पे एक सफर जो कि पिशावर टू कराची 28 से 30 घंटे में होता है, अगर वो 7 घंटे में हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन कितनी इजी हो जाएगी। और ये अगर आपने शाह साहब आपको याद हो बस ये ऑलमोस्ट आज से कोई 3-1 माह पहले ये खुशखबरी है शेख रशीद साहब दे चुके हैं। शेख रशीद साहब को आज कोई उनकी बर्थडे का तोहफा भी दिया उन्होंने और ML1 की अनाउंसमेंट भी की। तो जो मेन लाइन 1 है वो बिल्कुल मैं आपसे एग्री कर रहा हूं, अगर वो ऑरेंज ट्रेन की बजाय अगर ML1 बन जाती तो आज पाकिस्तान लाहौर नहीं पूरा पाकिस्तान खुशहाल होता। देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह करे शुरू करें, ये गवर्नमेंट करे अगली गवर्नमेंट आके इसको कंप्लीट करे, लेकिन शुरू होना चाहिए। और ये पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान की आवाम का पैसा है और पाकिस्तान की आवाम का पैसा पाकिस्तान पे लगना चाहिए और ये गेम चेंजर है। ये बहुत एक वजीर अजम पाकिस्तान ने वो रिएक्शनरी तौर पर कल मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, यानी एक हम तो तवक्को करते रहते हैं कि रोल मॉडल होते हैं लीडर, लेकिन वो बातें ऐसी करते हैं कि पहले तो हम क्रिटिसाइज करते थे कि सेकंड जो फेज या सेकंड लाइन है वो इस तरह की बदतमीजी करती है, क्यादत पर जुमलेबाजी कसती है। तो खुद उन्होंने डायरेक्ट जब ये कहा कि गीदड़ वजीर अजम पाकिस्तान को, तो आज इमरान खान साहब ने भी कहा कि लंदन में बैठे हुए जो साहब हैं वो गीदड़ की तरह वहां छुप के बैठे हुए हैं और अदारों को आपस में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। ये बड़ी खतरनाक बयान है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, आज आपने बिलावल साहब का जो इंटरव्यू है BBC में है तो वैसे वो सियासी बयान ही मैं उसको ये, लेकिन बेहतरीन है, लेकिन नहीं मैं किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। मैंने बहुत पहले कह चुका हूं कि ये PDM के साथ जो नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ हमेशा कंधों पर रखकर पिस्तौल चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जमीन सरकती है और वो आप खुद निकल जाते हैं, दूसरे को गिरा देते हैं। ये एक नॉर्मल बात है और कराची में आपको पता है इसलिए तकरीर नहीं हुई थी, आपको अगर रिकॉर्ड याद हो। और अब बैठ के बिलावल ने बड़ा टाइम लगाया इस आने में और ये चूंकि गेम चेंजर, मैं यूं कहूंगा कि आसफ जरदारी साहब है जो सियासत में बादशाह के तौर पर जाने इस तरह इस कॉन्टेक्ट में जाते हैं, वो जोर जोर के माहिर है। उन्होंने बड़े सही टाइम पे, अब हुआ क्या है जो असल बात बिलावल को अब ये क्यों कहना पड़ गया कि वो गिलगित बल्तिस्तान में कराची भी कह सकते थे, बहुत जगह हो सकता था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जब इलेक्शन लड़ने की चले गए तो वहां लोगों ने बड़ी लान तान की और बड़ा वाजे तौर पर खुलकर सामने आए, वहां उनके लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। कमर जमान कारा भी वहां पर मौजूद थे और ये सारे उनके लिए बहुत, यानी ये कहना कि ये ऐसे ही आउट ऑफ ब्लू आ गया, ये बैठ के आज ही ने याद आ गया, नहीं कि वहां पर उन्हें बड़ा हार्ड टाइम मिला है और वहां कौम ने बैठ के, अवाम ने बैठ के लेरे की है और बड़ी बेइज्जती की हद तक बातें होंगी जिसे मजबूरन उनको ये अपना बयानिया, और वैसे बयानिया भी ये सच है, गलत नहीं है कि आप किसी मुल्क में बैठ के फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा एक ऐसे आदमी का जो नाहल हो चुका है, डिसक्वालीफाई, जिसका अपना फ्यूचर कोई नहीं है और वो बैठ के किसका एजेंडा लेके चल रहा है, हर एक को पता है कि वो बैन अल-अक़वामी एक कुवतों है, उनका एजेंडा लेके चल रहा है और एक बड़े प्लान तरीके से लेकर चल रहा है, तो उसको किसी भी तरह से पजीराई मिलनी नहीं चाहिए। और जिस तरह उन्होंने कोशिश की, और पता है शामियाने सारे हमने देखा कि जो दुश्मन मुल्क हैं वहां पर शामियाने बजाए गए मीडिया पे बात करने के लिए, और दूसरी तरफ अगर आप देखें आप उन्हीं मुल्क में इंडिया में देखें आप कश्मीर के हवाले से क्या कुछ हुआ, क्या आपने ऐसा कोई बयानिया सुना? आप वहां पर अब ये अपने पिछले दिनों वो बकायदा एक सहाफी उठाए गए और किस तरह बेइज्जती हुई, वो कहां गए हामिद मीर और वो बातें करने वाले लोग, उन्होंने वो बातें कर सके? वो पब्लिक टीवी वाला है, नहीं पब्लिक टीवी है, रिपब्लिक टीवी वाले जो हैं वो अल्लाह गोस्वामी गोस्वामी जो हैं, कि अगर सिर्फ उनको आप समझे बात को तो ये बात समझ में आ जाती है कि ये हालात और वाकयात क्या है। अब लेकिन ये देखना ये है ना कि अब ये जो, और दूसरी जो बात मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जो आज अच्छा वो आपने बातों में इशारातन बात कर दी थी और वो आपने देखा कि टाइगर फोर्स के मुकाबले में जवान फोर्स निकाली उन्होंने, ये क्या है? टाइगर फोर्स तो अगर निकाली इमरान खान ने वो भी मैं ऐसे बताऊंगा ऐसे किसी मकसद के वो भी गलत है, लेकिन शेर जवान जो है इसका हलफ जो है उस पर मैं समझता हूँ कि उसको तो आप भी सोए रहते हैं कि आप, हालांकि जुडिशियल एक्टिविज्म के सरबराह है पाकिस्तान के,
तो आपने पढ़ा नहीं वो? देखिए मैंने बिल्कुल पढ़ा है उसको। ये दोनों में उसमें टाइगर उसमें देखिए एनिमल्स को क्यों शामिल कर रहे हैं जवानों की जिंदगी में? ये एनिमल्स शामिल हो रहे हैं, जीप काम है, इंसानों को इंसान रहने दे। नहीं नहीं लेकिन उन्होंने जानवर बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने टाइगर फोर्स थी ना, लेकिन उन्होंने शेर जवान बना दिया। उन्होंने जो है ना जो बैठ के जानवर क्या करेंगे? अब ये अब सवाल है आपका, सवाल हो गया शाह साहब की। अच्छा देखिए एक बात, शाह साहब बड़ा सिंपल सा है। टाइगर फोर्स का मकसद ये था कि आम बंदों के हवाले से मसाइल की निशानदेही करना, उसका कोई सियासी मकसद नहीं था। पहले तो यकीन ना, मैं रिमांडा नहीं हूं पीटीआई का, लेकिन शेर जवान जो फोर्स बनाकर और जिस तरह की गुफ्तगू की, जिस तरह पाक फौज के खिलाफ नारेबाजी की और जिस तरह की वहां बगावत के बकायदा उकसा, यानी सिर्फ वो हल्फनामा ही जो निकाला है उन्होंने, हल्फनामे के ऊपर सडिशन के मुकदमे, बगावत के मुकदमे और बकायदा म्यूटिनी अगर देखा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, ये हाई ट्रीजन तो नहीं आएगा, लेकिन जो जिस तरह का वो बयान और जिस तरह के हल्फनामे लिए गए, और हल्फनामे में वो बड़े तगड़े, मैं नहीं पढ़ना चाहूंगा उन हल्फनामों को, आई डोंट वॉन्ट, यानी मेरी जुबान जेब नहीं देती है, मेरी जुबान में लड़खड़ाएगी और बल्कि निकल नहीं सकेंगे वो अल्फाज के जिस तरह के अल्फाज उन्होंने रखे हैं। और वो यकीनन जो बाद में कह रहा हूं, जो मैं बयानियां कह रहा हूं कि मरियम नवाज साहिबा का, और वो जिस स्टाइल से और जिस तरह बैठ के बात करने की कोशिश करते हैं, किसी वक्त आम बंदों को शक होता है कि शायद ये कोई महारानी कोई किसी इंडियन रियासत की है, या कोई इसराइल में, या किसी ऐसे लोगों पर कि यहां पर पाकिस्तानियत नाम की कोई चीज नहीं है, जहां मुल्कियत नाम की चीज नहीं है, जहां स्टेट्समैनशिप है नहीं है, एक वेनम भरा हुआ है, एक बुक्स भरा हुआ है, और वो बाकायदा एक सो कॉल्ड लिबरल जो एक, एक, एक खास क्लास जो खूनी लिबरल भी कहा जाता है, उन लोगों को हर एक को पता है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, और वो एक खास क्लास को लेकर चल रहे हैं, और इसमें हमने सब नाम देख लिया, वो नाम बताने की जरूरत नहीं। डॉक्टर साहब सूरत हाल ये है कि आप यहाँ देखते हैं कि पूरी दुनिया में अगर जब बयानियां जो लफज है ना, ये शुरू से मैं इसको बड़ा मुझे हैरत होती है, बयानिया तो होता है कि नेल्सन मंडेला का है, वाशिंगटन का जो पहला प्रेसिडेंट था, महात्मा मोहम्मद का है, पाकिस्तान में बयानिया जो है वो कोई नई कौम को उठाने का नहीं होता, मतलब कोई रिहेबिलिटेशन का नहीं होता, कोई ऐसा आइडियलिज्म नहीं होता, जहां ये होता है कि भी आपने टकरा जाना है, और अगर आप नहीं है वोट को इज्जत दो, वोटर को घर में दाखिल ना होने दो, तो इस तरह का अब जो माहौल बन रहा है, आज ही की बात है कि गिलगित बल्तिस्तान में मरियम नवाशी साहब ने जो ये कहा है कि जलसे जुलूस साबित कर रहे हैं, अगर हमें अदरवाइज को रिजल्ट मिला तो हम जहां भी और पाकिस्तान में उसको बिल्कुल नहीं मानेंगे, और फिर जो होगा देखा जाएगा। क्या कहें? अच्छा यहां पर जो लफ्ज बयानिया है इसको चेंज करके पॉलिटिकल टेक कर दें, और जो पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के मामलात के अगेंस्ट जा रहा है, आप इसको कैसे बयानिया कह सकते हैं कि जो जिसके अंदर पाकिस्तान डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट की बात कर दी गई हो, और किसी भी जमहूरी पार्टी के लिए भी पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की बका, और इसी टाइम जब अमेरिका इंडिया एक मुआहदा है, खतरनाक मुआहदा कर जा जा जा, और पाकिस्तान के मामलात के अंदर बहुत ज्यादा हद तक खिलाफ हो जाए, तो आपने देखा होगा जैसे अभी इन्होंने बात कर दी कि कोई भी सेंसिबल या सिनिकल पॉलिटिकल एंटिटी, आप मैं इसको ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव या सिनिकल मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आप अगर देखें तो उसने बैकस्टेप ले लिया फौरी तौर पे, और फौज के साथ तसादुम की जरूरत नहीं है, वरना तो पाकिस्तान जाता है। 44% ऑफ द बलूचिस्तान, उसके लिए आप सेंटिमेंट्स डेवलप नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के अंदर 9 से ज्यादा जो है वो लिबरलिस्ट आर्मीज काम कर रही हैं, उनकी 800, 900, 200, 400, 500 पर्सनल आर्मीज बनी हुई है। रॉ की उसके अंदर इंटरफेरेंस हो रही है, जब बनेंगे जथे बनेंगे, वो सेंसिटिव प्लेस है हमारा, सीपैक का भी, चाइना की दोस्ती का भी, लद्दाख का सिमत में ले लें, इंडिया और अमेरिका का मुआहदा ले लें, तो अगर बल्तिस्तान के इलेक्शन इस टाइम जो होने जा रहे हैं कंट्रावर्शल हो जाते हैं, और ये उठा लेती हैं सियासी जमातें, ये कहते हैं हारने वाला कहेगा जी बिल्कुल मैं मानता ही नहीं हूं, जिस तरह चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इनको नोटिस दिए तो उन्होंने कहा जी वो बायस है, तो उन्होंने वैसे सबको कहा है जो लफ्ज उन्होंने बोला कि तमाम जो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी उन्होंने कहा कि यहां से निकल जाए, तो अगर उससे पहले दूसरा जिसको हम अपोजिशन कहते हैं मेंबर तो वो भी हैं, वो नहीं निकलते, सिर्फ गवर्नमेंट को हम क्रिटिसाइज करते हैं, सबको निकलना चाहिए ताकि वो सूबा जो है वो इस वक्त बिल्कुल नॉर्मल हालात में इलेक्शन हो, तभी हम उसके रेजोल्यूशन से नया सूबा बनाने की तरफ आएंगे ना।
रेजोल्यूशन की तो जरूरत बहुत अहम है, लेकिन एक पार्टी जो नैरेटिव ले चुकी है, जिसको मैं नैरेटिव कहता हूं, वो एक्चुअली अपने आप को उस सिमत में ले जाना चाहते हैं कि जिसमें उनको नलिफाई कर दिया जाए। जब वो कालादम हो जाएंगे तो उनको उससे उनको जाती बका जरूर मिलेगी, उनको सियासी तो मौत होगी लेकिन जाती बका मिल जाएगी। तो एक्चुअली अगर आप देख रहे हैं कि वो डाउनफॉल असालम की बात कर रहे हैं, असालम मिल जाएगा, हाँ असालम मिल जाएगा, मुमकिन है उस हद तक चले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्तकबिल तो नजर नहीं आएगा। आप करते हैं? मैं यकीनी तौर पे परस्पेक्ट इसको बल्कि प्रेडिक्ट करता हूँ और फोरकास्ट भी करता हूँ, क्योंकि उसके बाद उनके पास और कोई रह नहीं जाता। खबर है, हाँ ये जमहूरी तौर पर अपने आप की सियासी मौत तो हो चुकी। देखें कि पाकिस्तान की सालमियत और जमात थी, पाकिस्तान की पॉपुलर जमात थी, इनमें नीचे से क्यादत को फैसला करने दी ताकि बची भी रही, पाकिस्तान को तो चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग रहे। ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे काम होना था, बेसिकली होना ये चाहिए था कि वाले साहब का स्टैंस जो भी होता, बेटी थोड़ा सा स्टैंडर्ड दूसरा मेंटेन करके रखती, लेकिन उसने वो वाला मेंटेन कर लिया जो कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बन गया। और जो उनके जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने अपना नैरेटिव चेंज करके रखा है और वो बल्कि मेरे ख्याल में जेल में जाने को बका समझ रहे हैं। तो मुनासिब बात यह है कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई भी पार्टी हो, देखें जमहूरियत का मकसद ये नहीं होता कि अपनी सॉवरन स्टेट की गद्दारी की जाए, सॉवरन स्टेट के साथ गद्दारी करने वाला कोई भी जमहूरी पार्टी नहीं। शहर भट्टी साहब, ये तो बात दुरुस्त है कि एलिगेशन अभी प्रूव नहीं हुए, यानी वो एक तो बात है कि कुछ केसेस के फैसले हो चुके हैं, कई अभी पाइपलाइन है, अदालतों में जेर समात है। मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि हमें अकामा से निकाला गया है, मतलब उनका ये स्टांस चलता रहता है, क्योंकि जो फैसले पढ़ने वाले हैं वो भी दोनों तरफ ट्विस्ट करते हैं कि ये है उसका मतलब ये है, हम आप तो पता है। तो वो जब ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ के जमाने में ये पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा था और कर भी रहा था, मनसूबे बन रहे थे, नए से नए, आपने देखा कि सड़कें बन रही, सब कुछ, अब बन भी कख नहीं रहा, तो फिर लोग क्या करें? मुझे बताइए इस पर स्टांस दीजिए कि वाकई वो तरक्की हो रही थी या उधार का पैसा था, क्या था? वैसे कामे का स्टांस जो है ना, वो मेरे बड़े भाई दोस्त हम सब के हबीब बैठे हैं, ये पॉलिटिकल भी लेकिन मैं ये जो आपने एक क्वेश्चन किया जो हसनैन ने जवाब दिया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम सब कहते हैं जी मेरा पाकिस्तान, अपना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, रोशन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान, ये हम सारे प्रोग्राम भी करते हैं और बातें भी करते हैं, लेकिन जब आप एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, रिगार्डलेस नून लीग है, पीटीआई है, पीपल्स पार्टी है, मुझे ये समझ नहीं आती ये पाकिस्तान की पार्टीज हैं या ये खानदानी और जातियात की पार्टी। नहीं मैं खुली किताब है, मैं खुली। अब इन्होंने जो समझ आ रही है टेलीविजन पे बैठ के, काश ये हमारी अवाम बेवकूफ ना बने, उनको समझ आ जाए। मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि मरियम अगर वहां जाके ये नैरेटिव स्ट्रांग कर रही है, या शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मैं भाई को नहीं छोड़ूंगा। देखें भाई को नहीं छोड़ने वाली बात, अगर वो भाई है तो वो उस वक्त एक्स प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, तो फिर भाई भाई का साथ दे, उसमें पाकिस्तान कहां से आ गया? मरियम है क्यों जी, मरियम है उसका फादर है, तो वो फादर बेटी फादर बेटी का साथ दे। तो मैं ये समझता हूँ जो क्वेश्चन आपने किया कि गवर्नमेंट कहती है कि ढाई सालों में ये काम नहीं कर सकी, इस वक्त गवर्नमेंट को थोड़ा सा काम पे फोकस, बेल आउट अप नहीं कर सकते, मेरा मतलब सब स्टैंडर्ड पोस्टिंग्स हैं, यानी लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा था, मिलता रिश्वत है, कोई महंगाई जो मसरू समय ने उनको काबू नहीं पा सके, इन्फ्लेशन 20% से ज्यादा जा चुकी है और ये गवर्नमेंट का वीक पॉइंट है, और यही वजह है कि वो प्रेशराइज अपोजिशन जो प्रेशराइज कर रही है, और उस प्रेशर में खान साहब से मेरा ख्याल है कि मिस्टेक्स हो सकती है, खान साहब को बहुत केयरफुल ख्याल अपने इधर लोग मार रहे हैं ना। शरीक साहब यही जो मैंने बात की थी, क्योंकि इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और मरियम नवाशी साहब वहां बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, जलसे हम देख रहे हैं काफी बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, वो माने या ना माने, लेकिन वहां दो वजीर आजम फिर रहे हैं, वो पीडीएम में इकट्ठे हैं, क्या समझते थे कि अगर ये वहां इलेक्शन लड़ना ही था तो सीटों की कोई ऐसी डिवीजन कर लेते तो वहां इकट्ठा इलेक्शन होता तो पीडीएम भी बसुर कायम रहती, इन हालात में पीडीएम रहेगी? देखिए इकबाल शाह साहब, सियासत एक कदम का नाम है, बड़ी हार्श बात करने लगा हूं,
सालम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए अपनी औलाद को भी दाव पे लगा देता है। ये जान बूझ के एक बयानिया जो है ना, देखे मैं डेविल्स एडवोकेट की बात करने लगा हूं कि आपको एक तरफ सोचे जरा कि पीडीएम खड़ा किया हुआ है, अगर पीडीएम खड़ा करके आ जाते और इकट्ठे इलेक्शन लड़ना शुरू कर देते तो फिर बात आ जाती, डोमिनेट कर जाना था नवाज शरीफ का बयानिया, और यही बात आनी थी कि इदारों के खिलाफ लेकर चल रहे हैं। ये बड़ी इंटेलेक्चुअल मूव, इंटेलेक्चुअल तो नहीं मैं कहता, इंटेलिजेंट मूव है। इंटेलेक्चुअल तो मैं नहीं समझ रहा, हाँ बड़ा है, यानी इन्होंने बड़ी बेवकूफ बनाया ना कौम को, कौम को बेवकूफ बनाया है कि अल्टीमेटली अगर वो आ जाए तो फिर सियासत, यानी उधर बिलावल या तो बारियां लगा लेते ना फिर तो बात थी। अब तो दोनों उम्मीदवार हैं कि वजीर आजम के, मरियम नवाज भी उम्मीदवार है वजीर आजम की और बिलावल भुट्टो भी उम्मीदवार हैं, तो वो तो अगर अगर अभी बैठ के इकट्ठे होकर बारियां आ जाए तो इनका इनका सारा कुछ एक्सपोज हो जाएगा। ये तो एक ऐसा इलेक्शन है कि जिसके इलेक्शन का इतना को रोल नहीं होना पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो सिर्फ वहां खड़े करके आवाम को बेवकूफ बनाया है। जो जो कहा जा रहा था ना कि ये सियासी जमाने सारी इकट्ठी हो गई, चीजों का मुरबा बन गया है, अपना पेट फाड़ के निकालना, मोदी का जो यार है, ये सारी चीजें अगर उठाकर देखे तो अब क्या हो गया, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद और याद, ये नहीं मैं बात कर रहा, ये तो उससे उलट बात चल रही है। सिर्फ बताना ये आपको इशू जो समझना है कि कौम को सच सब पता है, लेकिन वजह है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगे। अभी आपने बात की अकामा के कॉन्टेक्स्ट में, देखिए अकामा कानूनी जुबान है, आप मिस डिक्लेरेशन, एक बंदा दयानतदार नहीं, ईमानदार नहीं, सच्चा नहीं, और वो एक चीज छुपाता है, सवाल अकामे का नहीं है, सवाल है झूठ बोलने का, छुपाने का, हलफनामा गलत देने का। और अगर हलफनामा आपने गलत दिया है तो आप कौमी असेंबली के मेंबर नहीं है सकते, ये आर्टिकल वो तो 62-63 में आएगा ना, लेकिन ये उसी में हुआ है। अब दूसरी बात आ जाए, एवन फील्ड में और अलजीजिया में, उसमें ये है वो जराये जब मेरी सेंट्रल एजेंसी जगह पूरे पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं है, और नवाज शरीफ को कहते थे ये है वो जराये, ये है वो अपना मनी ट्रेल जो खोतों और गजड़ों खचरों के ऊपर बैठकर लिफाफे बांधकर कागजों के खत बनकर गए थे और हमने देखा सारा कुछ नहीं है। अल अजीजिया और एवन फील्ड के अंदर उन जायदादों के बारे में सबूत देने थे, वो सबूत नहीं दिए, मनी ट्रेल इसलिए सजाए। आपसे आपसे कानूनी बात करते हैं, मुझे बताइए किस वक्त जो केसेस चल रहे हैं कि ये क्यामत तक चलेंगे? अरे देखें आप, देखें मैं एक छोटी सी बात बताऊं, दो आपको याद है जब पनामा केस, बड़ी करें नहीं तो नहीं, पनामा केस के अंदर जब फैसला हुआ, जब कहा कि 6 महीने के अंदर, 6 महीने में वो रेफरेंस मुकम्मल हो गए थे, नहीं होने दिया, और उसके बाद एक्सटेंशन होती रही सुप्रीम कोर्ट, ये कहीं एक नॉर्मल प्रोसीजर है, ये फर्द जुर्म तो आए नहीं होते। राणा सिन्हा ने अभी तक अपने वो जो मनशियात वाले केस अभी तक फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी है, मुख्तलिफ दरखास्तें झूठी सच्ची इधर से उधर बेवकूफ बना गए, हम वकील हैं, हम भी वकील हैं, हमारा भी यही काम है कि लटकाई रखो, होने नहीं दी तो स्टेट कहां है, अदालत कहां है? देखे यहाँ स्टेट का कोई किरदार नहीं है, मैं पहले मैं आज करता चलूं, यहाँ पर नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, कानून हुक्म है, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और यही वह है कि अदालतें कम थी, अदालतें कम के हवाले से दो चार बना नहीं आता तो आप उसको अनाउंस करें लोगों के सामने, अब आपके सामने है ना, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब मैटर टेकअप किया, अब शहाते में कई केसों में मैं देख रहा हूँ जो रोजाना की बुनियाद पर शहाते हो रही है, ये केस चलना था डे टू डे ट्रायल, 30 दिनों के अंदर जमा, 30 दिनों के अंदर केस कंक्लूड होना था, और इसलिए नैब के कानून में जमानत की गुंजाइश नहीं रखी गई थी कि 30 दिनों में ट्रायल होना है। लेकिन आप देख लें यहाँ पर, आप आशियाना में देख लें, साफ पानी में देख लें, सरदारी साहब के केसों में अब फर्ज जुर्म आयद हो गई है और वो ट्रायल चल रहा है, बड़ी तेजी से चल रहा है, और ये तो बल्कि इनका खुद जाना चाहिए ना सियासतदानों को, क्योंकि बेगुनाह है ना आप बैठे, आप मीडिया जो ट्रायल कर रहे हैं रोजाना चलो थोड़ी देर बाद आते हैं। सच्ची बात तो यह है कि अजहर सदीक साहब एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, मेरा सवाल फिर वही रहता है, पाकिस्तानी कौम की तरफ से ये है कि केसों के फैसले क्या होने चाहिए या लोगों को टिक टिक पर बांधे नहीं रखना चाहिए, क्या हो रहा है मुझे बताइए, साफ पानी है, वो कहते हैं कि फैसला क्या हुआ, क्या एलिगेशन है, इस तरह बेतच पंजा कंपनियां हैं, मनी लॉन्ड्रिंग है, टीटीज हैं, भाई कोर्ट है, अगर ऐसा ही है कोई कानूनी सुकम है तो उसे दूर किसने करना है, लोग तो चाहते हैं कि या फिर वो बरी है, अभी तक तो यानी जिन केसों में सजा नहीं हुई वो इनोसेंट है, जब तक आप कह सकते हैं सजा नहीं हुई तो फिर लोगों को क्या जवाब देंगे, इस तरह स्टेट चलते हैं। देखिए नैब को आपने खुद से पॉलिटिसाइज कर दिया है, किसी एक केस का भी फैसला किसी सूरत में हुआ नवाज शरीफ साहब को आपने जाने दिया, साफ पानी से लेकर आपने आशियाना स्कीम तक अब तक कोई भी चीज वाजे नहीं की, अदालत पहले फैसला कर ले या नैब पहले फैसला कर ले, नैब आपके बंदे को पकड़ती है और उसको बिला वजह की शोहरत दे देती है,
उसकी शोहरत के बाद खाकान आबासी भी बाहर निकल जाते हैं और बाकी भी बाहर निकल जाते हैं, तो इसके मतलब निकल जाते हैं। और पॉलिटिकल कोई बाहर नहीं निकला, सिर्फ जमानतें हुई हैं, बरी नहीं हुआ कोई। आप अगर मुझे इजाजत दें तो मुकम्मल करते हैं इस बात को कि नैब अगर इंडिपेंडेंट है तो उसको फिर उसने फैसला पकड़ के वो उनके पास क्या एडवोकेशन मुकम्मल नहीं होती, प्ली मुकम्मल नहीं है? अगर प्ली मुकम्मल है तो फिर अदालत में फैसला भेजें और मुकम्मल तरीके से एविडेंसेस देकर बात को क्लियर करवा दें। इलेक्शन में वजीर बन रहा है, कानून में सुकम है ना इकबाल शाह साहब, यहाँ आप पर मैं कुछ देखे, मैं सिंपल सी बात नैब ने इंक्वायरी कर दी, इन्वेस्टिगेशन कर दी, उसके बाद कोर्टों में आना, कोर्ट ने ट्रायल कमिटी को देखे, यहाँ लैप्सेस कोई नहीं है। मैं फिर बात बताऊँ, प्रोसीजरल प्रोसीजर आप कह सकते हैं, अगर आप इजाजत दें, आप ये बताएं कि वो कभी चलती है कि जी इकबाल जावेद साहब की वीडियो हम चलाएंगे तो वो उनके हक में फैसला देंगे, फिर एक वो उसकी आती, दूसरे डीजी साहब की आती थी, स्नैप साहब जैसा क्या बना? अब एक कल की शायद आपने सोशल मीडिया नहीं देखा, एक नई चीज वायरल हो रही है कि हम अपने हमारे जो साबका चीफ जस्टिस है उनकी एक ऑडियो टेप अगर हमारी बातें ना मानी गई तो बट साहब के साथ वो चला दी जाएंगी, ये क्या हो रहा है? देखिए नैब, मैं मुझे अगर एक मिनट आप दें तो नैब क्वेश्चन मार्क बन रही है। मुझे पॉइंट ये है कि इस टाइम पे बिजनेस कम्युनिटी से लेकर पॉलिटिकल तक सब लोग ये कहते हैं कि जिसके पास अगर थोड़ी सी भी सोने की अंगूठी नजर आ गई, किसी के पास जरा सा भी बिजनेस नजर आ गया, आपको नैब पड़ जाती है, आपका डीजी नैब के अपने कागजात पूरे नहीं हो रहे और आप जो है वो क्वेश्चन करते हैं लोगों के ऊपर, या तो आप वो रिप्यूटेबल फेसेस ले आए, या टेक्नोक्रेट की गवर्नमेंट ले आए, या आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ चले जाएं, या नैब को आप मुस्तकिल मिजाज करें। आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन अपने आप पर क्यों ठप्पा लगवा रहे हैं, या आप चीजों को दो को साबित करें। फॉर एग्जाम्पल होना तो ये चाहिए था कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने नून को पकड़ लिया, या आपने जरदारी को पकड़ लिया, या आपने किसी एक पार्टी को पकड़ लिया, जिसके ऊपर जो चीज साबित करनी है, एक के ऊपर केसेस मुकम्मल फाइंडिंग करके उसको प्ली देकर सेंटेंस करें। जब अगर आप सेंटेंस नहीं करते, ये लेवरेज ले रहे हैं। अच्छा अगला क्या होगा, 5 साल तक लेवरेज लेंगे, उसके बाद केसेस दोबारा से सियासी तौर पे खत्म। अच्छा इसको कहते हैं गुप्त होना, ये तो गुप्त हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे क्या चलेगा? देखिए मैं इकबाल शाह साहब, बात बड़ी सिंपल सी, जैसे मैंने आपके सामने अभी किया, बड़ा बयानिया सिंपल सा बयानिया ही कह रहे चले इसको, कि जहां देखिए दो केसों में सजा हो चुकी है, जो कह रहे हैं ये है ना कि सजा नहीं हुई, वहां से सब सजा याफ्ता है, एक में 10 साल सजा है, एक में 7 साल सजा है, तो वो गए कैसे? दोनों में देखिए वो इजाजत दी, कोर्ट ने इजाजत दी, कोर्ट ने इजाजत दे दी आप इलाज कराने की घर से चले जाए। जवाब यहाँ चूंकि देखे यहाँ वजह ये है कि डिस्क्रिशन है आपके पास, इस्तेहकाक है इन सब चीजों को। बाकी केसों के हवाले से जैसे जरदारी आप देखे, मिसाल जरदारी साहब के केसेस में अगर देखें तो उसमें तकरीबन 4 केसों के अंदर प्ली बार्गेन हो चुकी है, 9 अरब रुपया आ चुका है। ये देखो ये आप जो कि कौम को पता नहीं चलता ना, ना पता चलने, या सियासतदान अपनी बेवकूफ बनाने के लिए एक बयानिया झूठ चलाते हैं, और हम वही बयानिया झूठ लेकर हम जो आता है ना सामने, हम कोशिश करते हैं उसी को सामने। साहब ये बात सही कह रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब 11 साल जेल में रखा गया और वो पुरानी बातें हैं, नहीं भी करनी चाहिए, वो होता ही है कि गवाह मर जाते हैं, प्रोसिक्यूशन बदल जाती है। यही तो फर्क आ रहा है ना, यही तो फर्क आ रहा है मौजूदा दौर के अंदर, कि यहाँ बैठकर देखें इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। अभी आपको पता है अगर मीर शकीलुर रहमान का देखें, ये फाइलों में रखी हुई थी इंक्वायरी, सारी नहीं छेड़ी किसी ने, इस दौर में आगे निकली यहाँ पर, यहाँ बैठ के इंक्वायरी और अब वो ट्रायल में चला गया है ना। अभी वो देखे ना नवाज शहबाज शरीफ साहब की बातें बड़ी करते रहे कि जनाब हमने जमानत खारिज हो रही थी, फंडिंग केस निकाल तो देना, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के इन लोगों को बेनकाब ना करें, सजा दें, सजा होगी दो में, ना 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 चाइना से लेकर पूरी दुनिया के अंदर जब तक आप उनको मैं 2 मिनट लूंगा, देखिए ना बात जो खत्म करने वाली है ना, जो समझना है कि 2 केसों के अंदर सजा होगी, बाकी में फर्द जुर्म आयद है
चाहते होने दे रहे हैं या तो जैसे मैंने कहा ना सर बड़ा हैरान कौन बात है अगर सजा हो गई तो वो बाहर कैसे चले नहीं, नहीं वो उसका मुझे बता दीजिए कोई सुकम नहीं है या अगर मैं कानूनी सुकम नहीं करने को भी तैयार हूँ कानूनी सुकम नहीं है नहीं नहीं इसको ये रिलीफ भी नहीं कह सकते शाहिद साहब जरा बात को समझिएगा दो में सजा हो गई एक में अपील दायर की वो सस्पेंड होगी जब सस्पेंड हो जाए तो बंदे की जमानत हो जाती है दूसरे के अंदर अल अजीजिया के अंदर मेडिकल ग्राउंड पे ड्रामा बनाया जो भी चलते रहे मेडिकल ग्राउंड के ऊपर जमानत दी वो नहीं हो सका मेडिकल वापस दोबारा फिर जेल जाना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक अब चौधरी शुगर मिल का जब केस हुआ लाहौर हाईकोर्ट ने जमानत दे दी उसमें फिर उन्होंने बहाना बनाया मेडिकल का इलाज करने के हवाले से तो उन्हें मेडिकल का ईसीएल में नाम था तो इसका मतलब नैब रिफॉर्म की भी जरूरत नहीं नैब रिफॉर्म की उसमें कोई कंसर्न नहीं है तो फिर ईसीएल में जब नाम आपका आ जाए तो ये मामला देखिए अब अदालतें आजाद है इस मुल्क की गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई उन्होंने कहा जी 7 अरब की छोटी दें उन्होंने कहा नहीं एक अंडरटेकिंग के ऊपर लाहौर हाईकोर्ट ने उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाजत अच्छा काफी पॉइंट्स आ गए हैं अब यहाँ सिंपल सा बात क्या कि अगर करें फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ एक डिमांड जो हम सबको करनी चाहिए वो ये डिमांड होनी चाहिए कि इन तमाम केसेस के ट्रायल डे टू डे बेसिस पे करें रोजाना आधा सेकंड और देता हूँ इसमें आप गैप लीजिए आप यहां पर गैप लेते हैं इनको किसी जितने भी आपने केसेस नैब ने खोले गैप लिया इसी गैप का फायदा उठाते हुए आज आपका क्वेश्चन मार्क आपकी पाक फौज बन गई हमने गुडविल जेस्चर के तौर पर उसको अभिनंदन को छोड़ दिया और आज वो हमारे गले पड़ रहा है आप ये देखें कि हम मजबूत तरीन फौज होकर हम अपनी दिफा को मजबूत कर रहे हैं 24 खुले बॉर्डर्स के ऊपर हम तहफ़ फराम कर रहे हैं हम सी पैक को तहफ़ दे रहे हैं और ML1 से लेके जो कि मैंने आपको बताया अभी 66.6 बिलियन की वो हो गई और 1733 किलोमीटर की ये बनने जा रही है आप इन मामलात के अंदर आप कंस्ट्रक्शन होगी कब स्ट्रक्चरिंग कब होगी आप 2-4 को सजा दें ताकि ये लोग ये डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट ना बना सके आपने डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट नहीं बनाई उनके ऊपर कोई उनके ऊपर तो वो तो वाजे होकर साफ हो गए जब कपड़े साफ हो गए तो इसका मतलब है वो देखिए कोई साफ नहीं हुआ यहाँ मैं फिर अर्ज करता चलूं देखें बड़े सिंपल सा है कानून का तरीकाकार है इस मुल्क में आर्टिकल 4 है 5 एवरीबडी हैज टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ बाकी केसों में फर्दे जुर्म आयद हो गई है कुछ में शाते हो रही है और जैसे कानून ने कहा है कि एक महीने के अंदर फैसला करना है मैं एक डिमांड करना चाह रहा था डिमांड रह गई कि सब हम सबको कहना चाहिए कि डे टू डे ट्रायल करें इनके डे टू डे बैठ अगर वो बरी होते हैं अगर वो बेगुनाह है तो भाई बेगुनाह वो तरीका क्या है अगर भाई उसमें क्या अलीम खान का भी डे टू डे होना चाहिए जहांगीर तरीन का भी होना चाहिए ये अच्छा सवाल आप जहांगीर तरीन और उसका उनके भी बराबर इनको शायद भट्टी साहब एक बात समझनी है जहांगीर तरीन के खिलाफ है क्या केस इस वक्त जहांगीर तरीन के खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है एक इंक्वायरी कमीशन बना इंक्वायरी कमीशन में सिर्फ जहांगीर तरीन नहीं है बाकी लोग भी थे बाकी लोगों में से किसी चीनी चोर या चोर आटा चोर किसी एक को पकड़ा है जो हम जहांगीर तरीन को मैं वही तो कह रहा हूं कि झूठ इतना बोलो कि सच लगे जहांगीर तरीन के अभी तक कोई इंक्वायरी नैब में नहीं चल रही है कोई जब इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चलेगी फिर आ जाएंगे इसी तरह अलीमाबाजी के वाले से बात कहेगा अलीमाबाजी का टैक्स चोरी का केस था टैक्स उन्होंने दे दिया अब वो पब्लिक ऑफिस होल्डर है नहीं न्याय में केस चल नहीं सकता इतना झूठ बोल के यानी वो असल हलाकायक जो है ना पट्टी से उतार दिया आपकी तरफ से 2-2 मिनट है क्योंकि काफी ऐसी बहस बोले गए थे जिसका सबको पता है यहाँ यानी है कि मुल्ज़िम को अगर ताकतवर हो उसे जत्था बनाया हुआ और उसके बाद पार्टी बहुत बड़ी हो तो उसको कोई नहीं पकड़ता ये बात सीधी सजा देना बहुत मुश्किल है मैं भी बात शुरू की थी आसफ अली जरदारी साहब को जब सजा ना हुई अब तक वो कहता है मुझे बेगुनाह अंदर गोवा मर गया प्रोसिक्यूशन बदल गई खुद सदर बन गया अब क्या कहेंगे अच्छा हम ये सवाल ये है कि जो उन्होंने बयानत दिए सियासी पार्टियों 2-2 मिनट आपके पास होंगे मरियम नवाज साहब ने कहा कि सिलेक्टेड को अब नवाज शरीफ NRO नहीं देगा वोट देकर आइंदा के लिए भी नवाज शरीफ साहब को मौका दें ताकि वो खिदमत कर सके पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है नवाज शरीफ के अलावा और फिर यह है कि तमाम बीमारियों का पाकिस्तान का इलाज वो है मियां नवाज शरीफ साहब के पास है इस पर आप अपनी अपनी राय 2-2 मिनट मैं तो इसको सम अप ये करूंगा ये जो मरियम है अल्लाह ताला उसको थोड़ा सा और मश्योर करे और ये समझाए
कि वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। आपने कहा ना कि दो वजीर आजम फिर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आने वाले नहीं जेर तमीर वजीर आजम कहीं ना बन जाए, जेर तमीर भी बनते हैं। ये सारी बातें मेरा ख्याल है ख्याल आती हैं जो वो अपने फादर के लिए कर रही हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए वो तो नहीं सिलेक्ट कर सकती अभी से कि मेरे बाप को चौथी दफा मौका दिया जाए, ये अवाम पे छोड़ा जाए, अवाम फैसला करे। तो अवाम को कहने का मतलब यही है कि वो ज्यादा बेहतर है कि पार्टी की बात करे, वाले की बात देंगे कि वो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी दोबारा पाकिस्तानी कौम की मदद की दुआ है। देखिए जी, इसमें एक बड़ी क्लियर चीज हो गई, इस टाइम तक कोई भी इदारा हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, इसको मजबूत होना चाहिए, अदलिया को मजबूत होना चाहिए, फौज एक अलग इदारा है, वो अपनी तहफ्फुज की काम करता रहे। लेकिन डेमोक्रेसी ने वो प्लेटो के मुताबिक वर्स्ट ऑफ द पॉलिटी साबित कर दिया है पाकिस्तान के लिए। मुझे नहीं लगता कि डेमोक्रेसी या जमहूरियत कोई हल है, और आपकी अगर ये जमहूरियत है तो ये ले दे के मैं वो जालिब की वो नजम नहीं दोहराना चाहता, लेकिन आप जिस तरह मैनूवर करना चाहते हैं आवाम को मैनूवर कर लेते हैं और एक सेंटिमेंट डेवलप कर लेते हैं। खुदारा पाकिस्तान को टेक्नोक्रेटिक सिस्टम के अंदर लेकर आए और पाकिस्तान को इस जमहूरी तमाशे से निकाल दे। तो क्या कहेंगे, जमहूरी यहाँ नाकाम हो चुकी है। देखिए मैं बताऊं आपको, जमहूरियत तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी जमहूरी जो चल रही है। नहीं नहीं, जमहूरी निजाम पाकिस्तान के लिए बना ही नहीं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, आपको पता है अगर दीन इस्लाम के कॉन्टेक्स में देखे खिलाफत राशिदा के हवाले से बड़ा वाज तौर पर, अगर वो प्रेजिडेंशियल फॉर्म के बहुत करीब है। अभी आप देख लें, आप अमेरिका के इलेक्शन आपने लेटेस्ट देख लिए हैं, जो बाइडन सॉरी बाइडन के हवाले से और ट्रंप के हवाले से आपने, और वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म मुझे तो अगर आप देखें तो इन माय ओपिनियन पाकिस्तान नीड्स टू हैव अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, के बजाय यहां पर पैसे लगाकर मुंतखब करके आप ऐसे लोग जो इलेक्शनों में इतना ढेरों पैसा लगाकर आते हैं, उसकी बजाय आप इलेक्शन सामने आए और टेक्नोक्रेट जैसी बात की है उसको जरा इस कॉन्टेक्स में ले जाएं कि आप वहां से अच्छी टीम मुंतखब करें। इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान को जो इलेक्ट्रोल कॉलेज से लोग जो मिले वो अच्छे तो ना मिले, और उन्होंने कोशिश की बाहर से ऐसे लिए जो नॉन इलेक्टेड लोग लिए, और वो बातें बड़ी होती रही कि स्पेशल असिस्टेंट बना लिए, कोई एडवाइजर बना लिए, और बातें बहुत होती रही। उसके बावजूद भी इस निजाम के अंदर अभी आपने मुनसलाई के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से जो बातें सुनी है, आप वहीं से अंदाजा लगाए ना कि इस सिस्टम के अंदर इन बिल्ड इतने फ्लो है। ये मैं नहीं समझता ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बेहतर, और यही वजह है कि ये अमीर से अमीर तर और गरीब से गरीब तर, और सियासी जमातों में जो आया है वो उसने इस बहती गंगा में ऐसे हाथ धोए हैं, ऐसे हाथ धोए हैं, हाथ भी सोने के हो गए, मुंह भी चांदी का हो गया, और वो चाहते शायद वो कवर भी बन जाए। टाइम तकरीबन मुकम्मल हो गया। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे। पाकिस्तान में से जो सियासी पार्टियां हैं वो एक बाकायदा मुनज्जम जथे हैं, जिसको प्राइवेट लिमिटेड फर्म कहा जा सकता है, इसको इनहेरिटेंस भी कहा जा सकता है, विरासत दर विरासत है। और फिर इतनी सियासी पार्टियां कि कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन सकी। आप देख रहे हैं कि पंजाब हुकूमत हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, इनमें छोटे छोटे जथे अपना हिस्सा लेने के लिए किस किस्म के ब्लैक मेलिंग पर तुले हुए हैं। अब किसी का विदाउट नेमिंग कि जरा वहां जरूरत पड़ती है किसी बिल पास कराने में तो किस किस्म की शदीद जरूरत पड़ती है, तो कौन कौन से मुतालबे मनवाए जाते हैं। पाकिस्तान की तरक्की का राज अब ये कोई खुफिया नहीं रहा, इस किस्म की जो सियासी पार्टियों का एक अम्बो है और उनको जथे बनाए हुए हैं, फिर जिसको आप कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट, उसके तो उसके तहत स्लेव पैदा किए जा सकते हैं। उसके तहत तो आप किसी एमएनए अपना माफी जमीर बयान नहीं कर सकता, वोट ही नहीं दे सकता, असेंबली में बात ही नहीं कर सकता, तो फिर किस लिए वो आवाम का नुमाइंदा कहलवाने का मुस्तक है। यहां ये निजाम नाकाम हो चुका है कि पाकिस्तान को तरक्की देनी है, तो आप देख रहे हैं 72 साल में हम तरक्की माकूस की तरह जा रहे हैं। तो अगर कोई निजाम बदलना, कोई निजाम इंडिस्पेंसेबल नहीं है, रियासत सबसे अहम है। मैं समझता हूं कि निजाम को बदलने में अगर पाकिस्तान तरक्की कर सकता है तो इस पर भी हुक्मरानों को सोचना चाहिए। ये मुल्क है तो सब कुछ है, अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।